सुनाइए, प्रथम अध्याय से शुरू करो। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामक पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढं नृपतपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकी। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीलन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् आकीर्तिं करमर्जुन क्लेभ्यमास्मगमापाठ नैतत्त्वैव पद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धेर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि एषव व्यामिश्रेणैव वाक्येण बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भामैश्वर्म पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते कर्म सर्वप्रकृतिर्गुणैः कर्म। अथ चतुर्थोऽध्यायः अर्जुन उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्व कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। अथ सप्तमोऽध्यायः अर्जुन उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा जास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्जात्वा नेह भूयोऽन्यजातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यददामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ज कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं जेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावाद्भवकरो विसर्गः कर्म सञ्जितः। अथ नवमोऽध्यायः अर्जुन उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे जानविज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्षसे सुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं त्रिभिं नरे। अभी देखो हमने इनको अचानक खड़ा कर दिया, कोई तैयारी तो करके आए नहीं, ऐसे तैयार रहना चाहिए हमेशा है ना। लेकिन इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, दसवां अध्याय के बाद ग्यारहवां बारहवां तो सभी को याद ही है, ग्यारहवां भी इन्होंने तो पूरा ही याद किया, लेकिन अचानक खड़ा कर दिया तो इनको तो पता ही नहीं था कि आज स्वामी जी ऐसा पूछ लेंगे। तो द्वादश अध्याय सुनाओ सभी। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततं युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच हयावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परेपेदास्ते मे युक्ततमामता ये त्वच्छरामनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युवासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमजलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये पन्द्रवा सुनौ अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तम् वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वम् प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गचस्त्रे नलेन चित्वा ततः पदम् तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणि अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयम् सत्त्वतम् शुद्धे ज्ञानयोगाव्यवस्थिति दानम् दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरवैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् हीरचापरम् तेजक्षमाधृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये तो सारे बच्चों को याद है। अब आप रुक जाओ, आप तो पुराने हो गए, एक साल वाले हो गए। चलो एक साल में भी पूरी गीता याद कर लियो। राम अभी गुरु पूर्णिमा पर कंपटीशन भी होगा, सबसे अच्छा कौन सुनाएगा, और सुनी भी जाएगी। तो जो सुनाएंगे उनको 20,000 रुपए पारितोषिक मिलेगा, उनके लिए अभिनंदन है। सबको, एक को नहीं, जितने भी सुनाएंगे, 10, 20, 30, 50, 100, 200 जितने भी सुनाएंगे सबको कितना, 20,000 पूरा सुनाएंगे। तो फिर उसमें जो प्रथम आएंगे उनको विशेष पुरस्कार मिलेगा, सब में जो सर्वश्रेष्ठ सुनाएंगे उनको और विशेष पुरस्कार मिलेगा। तो आपको तैयारी करनी है ना। अब देखो ये तो भूले नहीं है, इसका मतलब अच्छे बच्चे हैं। ये शिविर में ही सिखाया था, आप सुनाओ। अभयम अभयम सत्य सबने याद किया है। इंद्र दे दो शोचम अत्रो दानातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारता तं भूदर्भो विमानश्च क्रोधस्पार्श्वेव च अजाजातस्य माशुरीम् शिवितम् माश्मन आत्मन तो जितना याद कराया था पूरा याद करके आए भाई। जोरदार इनके लिए ताली बजाओ। मतलब भूले नहीं है, जो याद करना है उसको भूलना नहीं है। तो 16वां अध्याय भी सुना दिया, ऐसे 17वां 18वां अध्याय भी याद किया। तो एक बार इन तीनों बच्चों के लिए विशेष रूप से अंतिम गंगांजलि प्रज्ञा, अंतिम गंगांजलि और प्रज्ञा के लिए विशेष अभिनंदन करो भाई। जोरदार ताली बजाओ। नाम भी अंतिम है, रहती प्रथम है। अंतिम गंगांजलि और प्रज्ञा जी, देखो आज हमने आचार्य कुलम से भी दो बच्चे बुलाए जिन्होंने विशेष पुरुषार्थ करके पिछली बार जैसे आयुष ने 99% अंक प्राप्त किए, इस बार जो है
हाँ दिव्यांशु जी, इनके पिताजी पतंजलि आरोग्य केंद्र चलाते हैं, माताजी इनकी टीचर है ना, शिक्षिका है, और वो तहसील प्रभारी है पतंजलि महिला समिति में ही, और माता पिता योगी हैं और खुद भी योगी है हमारा ये बच्चा। योग में भी CBSE के जो नेशनल कंपटीशन हुआ उसको, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसमें विजय प्राप्त की। तो एक बार सबकी ओर से दिव्यांशु जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। शरीर से भी बहुत बलवान है, और जो है इसने 99.4% माने 500 नंबर में से 497 नंबर प्राप्त किए। एक बार सभी उधर सब गुरुजनों का आशीर्वाद लेते आओ सबका। और इधर गुरुजी भी आ गए। अब तो ये सबसे पहले आए थे, तब गुरुजी भी इनको सबको संत कुटीर में जाया करते थे गुरुजी। और ये योग में भी एक मिनट के अंदर इतना इसमें बैलेंस है कि जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं ना डगमगाते हैं, इसका हौसला बहुत जबरदस्त है। अभी जैसे आप थोड़ा इधर पीछे हो जाओ, एक क्षण के अंदर ये हाथों पर पूरे शरीर का ऐसे बैलेंस बनाता है, तो करो एक सेकंड के अंदर बिना, और नीचे नीचे फिसली नहीं, देखो बिना बैलेंस होए वापस आ जाओ। और ऐसे ये गुरुजी 2 मिनट तक रह सकता है, इतना इससे क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये तो थोड़ा सा हो जाता है 1-2 नंबर आगे पीछे, मैं इसको ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं 497 है या 500 के 500 है कोई बात नहीं, वैसे 499 नंबर तक आए हैं, 2 नंबर ज्यादा हैं, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो मैं मानता हूं कि पूरे भारत में प्रथम कोटि का बच्चा हमारा दिव्यांश। तो एक बार सब गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आचार्य कुलम के 14 बच्चों ने 95% से ज्यादा नंबर लिए हैं, और 28 बच्चों ने 90% से, और 73 बच्चों ने 75% से, कुल मिलाकर के सभी बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था, 2-3 तो बहुत ही कमजोर बच्चे थे, वो अपने यहाँ कोई वार्डन थे उनके बच्चे थे, दूसरे थे, तो उनको भी 60% माने फर्स्ट डिवीजन से कम किसी का भी नहीं था, फेल होने का तो मतलब ही नहीं। तो पूरे देश में यदि शिक्षा संस्थानों में, यदि जैसे कहते हैं ना प्रथम कोटि का, पूरे देश के 4-5 स्कूलों का यदि श्रेष्ठतम रिजल्ट था, उसमें रिजल्ट आचार्य कुलम का था, इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरी वंशिका जी हैं, इन्होंने भी 97.2% मार्क्स लिए, इनके भी जोरदार अभिनंदन है। और ये भी कबड्डी की बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो वंशिका जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और इनके पिताजी गौशाला चलाते हैं, माने पिताजी भी पूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक है, और सब अपने से बहुत पतंजलि से बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं। और ये कितने बहने हो तुम? एक भाई और है, तो वो छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। तो वंशिका की हाइट भी बहुत है, लगता है 6 फीट पे जाके रुकेगी और मजबूत भी बहुत है ऐसे। और एक खास बात, दिव्यांशु जी, वंशिका जी, और पिछले बार भी बेटा आयुष, और दूसरी क्या नाम था बेटी का, सोनाली है, सोनाली, युवराज, ये ऐसे बच्चे हैं जो 100% अनुशासित हैं। कैसे हैं? 100% डिसिप्लिन में रहने वाले, 100% डिसिप्लिन में। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बैठो बेटा वंशिका। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इनको हमने आज आशीर्वाद के लिए यहाँ पर बुलाया, और ये हमारे गौरव हैं, आगे भी बहुत कुछ अच्छा करने का इनका संकल्प है कि हम ऐसा कार्य करेंगे
जिससे आचार्य कुलम का, पतंजलि योगपीठ का, हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का और हमारे भारत का गौरव बढ़े, हमें ऐसा काम करके दिखाना है और ऐसे ही बच्चे आपको बनना है। ये तो आचार्य कलम का सीबीएसई का रिजल्ट मैंने आपको बताया। अब आपका रिजल्ट तो हमें 3-3 महीने में देना है। जो लिस्टेड कंपनियां होती है ना, तो शेयर मार्केट में मुंबई में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। कितने दिनों में रिजल्ट आते हैं? और क्वार्टरली रिजल्ट में आपको, तो इसे, इसको कहते हैं आत्मस्पर्धा। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? आज से हमें कल और ज्यादा हमारा बेहतर कैसे हो, ये सोचना है। तो आज आपको हमने एक बात ये बताई कि बुद्धि का विकास, अभी तो जो है, वैसे भगवद गीता भी कितनी याद किया आपने अपने आप ही, गुरु पूर्णिमा तक दिव्यांशु भगवद गीता भी पूरी याद करके आएंगे, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। ओम अथ श्रीमद भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच। हाँ, धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः माम काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उच्चारण भी कितना अच्छा है ना, दूसरा अध्याय भी सुनाओ। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मग महापार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, कितना सुंदर सुनत। एषः संस्कृतमपि सम्यक्तया वदति, एषा अस्माकम् अभिलाषा वर्तते यत् भवन्तः संस्कृतमपि वदेयुः आंग्लभाषामपि आर्यभाषामपि तथा एषा विजानाति यत् मम गुरु गुजराती भाषा में भी जाना था गुजराती में भी बदती। तो अभी थोड़ी अब आपने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, एक तरह से मैं इसको द्वितीय नहीं मानता हूँ, एक दो अंक कोई ऊंची नीची बड़ी बात नहीं है। तो पूरे देश में 18 लाख बच्चे बैठे, कितने लाख? उन 18 लाख बच्चों में से जो सर्वश्रेष्ठ 50 सर्वश्रेष्ठ जो 50 बच्चे हैं पूरे देश के 18 लाख में से, उनमें से एक दिव्यांशु भी है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। तो ये जो इनको उपलब्धि है, और पूज्य आचार्य श्री और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, उनका आगमन हो रहा है और उनका आगमन के ऊपर तेषाम अभिनंदनम भवान संस्कृत भाषा में करो तो अस्माकम आचार्य वर्य आगच्छन्ति तेषां वयम् अभिनन्दनं अस्माकं भारत मातुः ये हिलादकाराः श्री आचार्य वर्यः सन्ति ते अस्माकं अस्मिन् प्रभात वेलायां समागतः सन्ति अस्मा वयम् सर्वे एव अनुगृहीताः स्मः वयम् सर्वेपि अद्यतन पावन दिवसे तेषां आशीर्वादं गृहीत्वा। आचार्य जी दिव्यांशु प्रथम आया है 97.4% पूरे देश में, जो टॉप 50 बच्चे उनमें से एक है, और वंशिका जी ये दूसरे नंबर पर आई है। तो दोनों के लिए एक बार फिर से पूज्य आचार्य जी का और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं दोनों ही बच्चे। इन इधर गुरु जी का आशीर्वाद लें। इनके पिताजी गौशाला चलाते हैं और ये पतंजलि चिकित्सालय चलाते हैं और माता इनकी जिला प्रभारी है उधर महिला समिति में। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन दोनों ही बच्चों का। तो तत्र गत्वा ऐसा अत्र तिष्ठतु काफी वार्ता नास्ति। सुनो भी मैं बोल रहा था आपको कितनी भाषाएं आनी चाहिए, कम से कम 3 भाषाएं तो यहाँ आपको पहले सिखा रहे थे, अब 5 भाषाएं सिखाएंगे। कितनी? 5। तो अभी 3 भाषाएं, तो 3-4 भाषाएं अब तो अभी बोल के दिखाएंगे आपको। हाँ,
तो अधुना किञ्चित् संस्कृत भाषायां वदतु, यथा कथम् अत्र प्रथमस्थाने आगात्, यतोहि प्रयत्नं तु सर्वेऽपि कुर्वन्ति। अधुना मवादिसम् अष्टादश लक्ष विद्यार्थिनः प्रयत्नम् अकार्षुः। तत्र प्रथमस्थाने ये विद्यार्थिनः आगतवन्तः तेषु एषः अपि वर्तते। 18 लाख बच्चों में इन्होंने पुरुषार्थ किया, तो इस पुरुषार्थ में कौन से तत्व थे जिन्होंने इनको इस लेवल पर ये पहुँचे हैं, तो पहले थोड़ा अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में और कैसे ये स्थान इन्होंने अचीव किया, इसको पहले संस्कृत में बोलेंगे, फिर अंग्रेजी में बोलेंगे और फिर हिंदी में बोलेंगे, फिर गुजराती में बोलेंगे। मम पिता डॉक्टर उमाशंकर आर्य सन्ति, ते पतंजलि आरोग्य केन्द्रं चालयति, संचालयति। मम माता च संस्कृत अध्यापिका सन्ति, तः अपि पतंजलि प्रकल्पस्य जिला प्रभारी सन्ति। हाँ, मम ये माता महा सन्ति, ते आर समाजस्य पुरोहिताः आसन्। इदानीम् अहं तु भवतः सदृशः योगी भवितुम् इच्छामि। इदम् आसीत् किं विश्वासः आसीत् यत् यदि वयं पठितुम् इच्छामः 99.4 सदृशङ्कानां यदि प्राप्तिः भवेत् तर्हि किञ्चित् ओवर् स्ट्रेनिङ्ग् भवेत् मस्तिष्के। जबरदस्ती जब हम करते हैं ना कि हमें ज़्यादा रात भर पढ़ना होता है, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना, कुछ मत सोचो, ना खाना ना पीना, हम अपनी दिनचर्या से अलग हो जाते हैं। तो मैंने ये माना कि अगर हम योग में संस्कृतम यदि वयम योग में जीवनम यदि यापयामः तर्हि सर्वत्र अपि समत्वं स्थापयित्वा वयं यदि पठिष्यामः ततश्च चतुर्मुखी अपि विकासमपि कुर्मः तदापि वयं साफल्यं प्राप्तुं शक्नुमः। इदं मम प्रयोगः आसीत्, इदानीं भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अभि एक बात फिर इसको हिंदी में भी बोलो, ये लोग ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, अव्यवस्थित हो जाएंगे, केवल पढ़ना है, खाना पीना सोना कुछ नहीं। हाँ, उसके बारे में बताओ कैसे संतुलन बनाया, हिंदी में बोलो। तो हम क्या करते हैं, अणुव्रत होते हैं। अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो बड़ा लक्ष्य अचानक से नहीं मिलता, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यदि हम इतना कर ले कि हमें आज इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कल इतनी चढ़नी है, और इस चीज़ में कभी हमें ब्रेक नहीं लेना, स्वामी जी कहते हैं छुट्टी की छुट्टी कर देनी है हमें इस पे। हमें यदि हम निरंतर चलते रहते हैं चरे वेती तो हम अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और यही हमारे योग में हमें सिखाया जाता है स्वामी जी। और सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी, एकाग्र तो होना ही है, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात पढ़ाई के साथ साथ एक योग्य मनुष्य बनना है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें एक ग्लोबल नागरिक बनना है। तो जैसे स्पेनिश थी, तो मैंने किसी से प्रयास किया स्पेनिश सीखने का, हालांकि समय नहीं मिला, तो जैसे थोड़ा बहुत सिखाते थे, अरस्तो निचिकास, थोड़ा सा ऐसे कुछ भी सिखाते रहते थे जी। तो ऐसे मैंने स्वामी जी की प्रेरणा से थोड़ा ग्लोबल नागरिक बनने की कोशिश की। फिर जब मुझे यहाँ पे आचार्यकुलम में पता लगा कि इन आचार्यकुलम वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, देन आई ट्राइड टू get the you know opportunity to seek this opportunity to learn all the languages, and this was my first step towards being a global citizen, we say the citizen who can contribute immensely to the world. We had S. Sarvepalli Radhakrishnan ji, he was a living bridge between Indian culture and Western culture, because he knew the both, he had the depth of both the cultures, civilizations, and thus he was able to assimilate our teachings in those Western cultures also. And from him only the Western world knew that we are so great thinkers, and we had a very developed civilizations that was incomparable, incredible. So I want to be his follower. Now, तो ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी, वो अनेक भाषाएं जानते थे और सब कुछ जानते हुए अपने
रूट से गहरे जुड़े हुए थे। वेद, दर्शन, उपनिषद, अपना जो वैदिक कल्चर, सिविलाइजेशन, नॉलेज, हेरिटेज, जो अपनी पुरानी विरासत है, उससे जुड़े हुए, और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक प्रशासक क्या होता है, एक अनुशासक, एक आचार्य क्या होता है, एक गुरु क्या होता है, और उसके जीवन के आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है। उन्होंने अनेक भाषाएं और अनेक विद्याएं सीखने के बावजूद अपने जीवन की दिव्यता